प्रिय बच्चों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी तृतीय वर्ष के फर्स्ट पेपर जंतु कार्यकी में उपापचयन हमारे पाठ्यक्रम में है। इस उपापचयन के अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का अध्ययन किया है। प्रोटीन के उपापचयन के अंतर्गत हमने डीएमिनेशन, ट्रांसमिनेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड का अध्ययन किया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत तीसरा अध्याय हमारा वसा का उपापचयन का है, और वसा के उपापचयन के अंतर्गत आज हम बीटा ऑक्सीडेशन को अध्ययन करेंगे। यह अध्याय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीटा ऑक्सीडेशन का सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का लिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत बीटा ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी को इसने आपको क्या कहा है, 6.3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एटीपी एक कार्बन से उत्पन्न होते हैं, जबकि वसीय अम्लों का जो संतृप्त होता है कार्बन वो 8.1 एटीपी उत्पन्न करता है। इसलिए बीटा ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए अधिक उपयोगी साबित होता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब फैट का हो जाता है तो बड़ी मात्रा में जल दोज ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव एडिक्वेट एसेस ऑफ ड्रिंकेबल वाटर, बड़ी मात्रा में जल की उत्पत्ति होती है जो जंतु अधिक पानी नहीं पीते हैं, जैसे कि ऊंट एंड किलर व्हेल्स आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ दैट। दे कंटेन देयर वाटर रिक्वायरमेंट फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स। इस शब्द में हम ये कहना चाह रहे हैं कि वे जंतु जो कम पानी पीते हैं या रेगिस्तान में रहते हैं, पानी की कम उपलब्धता होती है, वसा उपापचयन के माध्यम से ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, ताकि वसा के उपापचयन में उत्पन्न हुआ हुआ जल जो होता है उनके शरीर के जल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उन्हें कम मात्रा में पानी पीना पड़े। फैटी ऑक्सीडेशन का डिग्रेडेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण करने के लिए वसीय अम्लों को यानी फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कराना आवश्यक है। इसके लिए कार्निटाइन एसाइल ट्रांसपरेज फर्स्ट और कार्निटाइन एसाइल ट्रांसपरेज सेकंड दो एंजाइम काम करते हैं या दो वाहक काम करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन में मुख्य चार पद हैं। ये बड़ा ही दिलचस्प तथ्य है कि बीटा ऑक्सीडेशन की चार स्टेप्स में से जो लेटर फोर स्टेजेस होती हैं, उन लेटर फोर स्टेजेस जो होती है टीसीए साइकिल से होती है। अब हम बात करेंगे किसके भाई, एंट्री इनटू द बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन में एंट्री की। जो अधिकांश तो फेट होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्राइग्लिसराइड के रूप में संचित रहता है। बीटा ऑक्सीडेशन में प्रवेश करने के लिए इनके ट्राइग्लिसराइड्स के बॉन्ड्स को तोड़ना आवश्यक है, इसलिए पहले इस पर लाइपेज एंजाइम काम करता है।
और जब लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पर काम करता है, नाम से ही पता है, ट्राइग्लिसराइड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विद एसोसिएशन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ द फैटी एसिड, ये इसमें रिलीज होता है। ट्राइग्लिसराइड का जलीय अपघटन होने पर यह टूट करके ग्लिसरॉल और तीन वसीय अम्लों का निर्माण करता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स अब जो है फैटी ऑक्सीडेशन के द्वारा डिग्रेडेशन होते हैं। जिन वसीय अम्लों को फैटी ऑक्सीड बायो बीटा ऑक्सीडेशन में भाग लेना होता है, सबसे पहले उनका सक्रियकरण करना आवश्यक होता है। और सक्रियकरण करने के लिए ये वसीय अम्ल एटीपी के साथ क्रिया करते हैं और एटीपी के आर सीओएमपी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। साथ ही इसमें से पीपीआई निकल जाता है जो कि पाइरोफॉस्फेट कहलाता है। ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड की क्रिया एसाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज के द्वारा होती है। पहली स्टेप में एटीपी के साथ क्रिया कर जाने पर आर सी ओ एम पी प्लस पी पी आई बना और सेकंड रिएक्शन में आर सी ओ एम पी को एंजाइम ए विथ सल्फाइड्रिल ग्रुप के साथ में क्रिया करता है और आर सी ओ एस सी ओ ए प्लस ए एम पी का निर्माण करता है। ये फैटी एसिड एसोसिएटेड विद द को एंजाइम माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाली जो टेक्निक है उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एक मिनट हट गया है, वापस हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा इसको। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के लिए दो मुख्यतः कार्निटाइल पाल्मेटोइल ट्रांसफ्रेज काम करते हैं, जिन्हें कार्निटाइल पाल्मेटोइल ट्रांसफ्रेज फर्स्ट लाल कलर से दर्शाया गया है और दूसरा कार्निटाइल पाल्मेटोइल ट्रांसफ्रेज सेकंड काम करता है जो ब्लू कलर से दिखाया गया है। रेड वाला बाहरी माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे काम करता है जबकि ब्लू वाला इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे काम करेगा। यहाँ ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के बाहर ये साइटोसोल है कोशिका द्रव्य का, माइट्रोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर माइट्रो दोनों इंटर मेम्ब्रेनल स्पिनस है और इधर माइट्रोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। ज्यों ही फैटी एसिड जिसने कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्ट कर रखा है जिसको हम सक्रियकृत वसा अम्ल कहते हैं, ये फैटी एसिड का एसाइल कोएंजाइम ए कार्निटिन के साथ में क्रिया करके एसाइल कार्निटिन का निर्माण करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटाइल पाल्मेटोइल ट्रांसफ्रेज फर्स्ट। जब एसाइल कार्निटिन बन गया, ये एसाइल कार्निटिन कॉम्प्लेक्स आउटर मेम्ब्रेन से होकर के इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस पे आ जाता है, इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ट्रांसलोकेजेस पाए जाते हैं। ये ट्रांसलोकेजेस एसाइल कार्निटिन को अंदर मैट्रिक्स में माइट्रोकॉन्ड्रिया की अंतर झिल्ली से मैट्रिक्स की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाने पर एसाइल कार्निटिन पर कार्निटिल पाल्मेटोइल ट्रांसफ्रेज सेकंड काम करता है और कार्निटिल पाल्मेटोइल ट्रांसफ्रेज सेकंड जब काम करता है तो इस एसाइल कार्निटिन का ब्रेकडाउन करके इसको एसाइल कोएंजाइम ए और कार्निटिन का निर्माण कर देता है। इस प्रकार मैट्रिक्स में बना हुआ जो कार्निटिन होता है वह ट्रांसलोकेजेस के माध्यम से वापस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से होता हुआ आउटर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से साइटोसोल में आ जाता है जो पुनः एसाइल कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करके इसी प्रक्रम को दोहराता है।
अर्थात इस प्रक्रिया में माइटोसिक अम्ल का सक्रियकृत वसा अम्ल जिसे हम एसाइल कोएंजाइम ए कहते हैं, कार्निटाइल पाल्मेटोइल ट्रांसपरेजेज फर्स्ट और सेकंड के दौर ट्रांसलोकेजेज के द्वारा मैट्रिक्स में जो है एसाइल कोएंजाइम ए पहुँचाने का कार्य करता है। अब हमारे पास बात आती है कि जो वसीय अम्ल में का जो है एक्टिवेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो गया, तो अब उसका आगे का जो प्रक्रम है उसके हम अध्ययन करेंगे। आगे के प्रक्रम में इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखें आप, खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सारी रिएक्शन को मैंने आपके सामने समराइज कर दिया है, कार्निटाइल एसाइल ट्रांसपरेज फर्स्ट और कार्निटाइल एसाइल ट्रांसपरेज सेकंड के द्वारा जो क्रिया होती है उसको केमिकल रूप में यहाँ दर्शाया गया है। यदि हम कार्निटाइन की बात करें तो ये कार्टिना है, कार्निटा है जो क्या होता है चार मिथाइल अमीनो, ये एक अमीनो समूह है जिस पर एक एक दो और तीन मिथाइल लगे हुए हैं और इधर भी मिथाइल का रूफ है, तो चौथे कार्बन पे है एक दो तीन और चौथा कार्बन है, चौथे कार्बन पर चार मिथाइल लगे हुए हैं इसलिए इसका नाम है चार मिथाइल अमीनो पे लगा हुआ है नाइट्रोजन पे, इसलिए चार मिथाइल अमीनो थ्री आयोडोसो ब्यूटाइरेटो इसका नाम है, ठीक है। इसके साथ में इस कार्निटिन हो गया, इस कार्निटिन के साथ में क्रिया करता है कौन, वसीय अम्ल, ये एक वसीय RCOOH है वसीय अम्ल, वसीय अम्ल ने क्रिया करी और इसका जो है RCO जो समूह है ये RCO वाला, ये इसके CH3 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 CH2 CH के साथ में OCOR संलग्न हो गया, CH2 CWH हो गया और फिर इसके साथ में ये कोएंजाइम ए विथ सल्फाइडल ग्रुप ए जो है रिलीज हो गया, ठीक है भाई। एक मिनट, तो ये बात तो हम पढ़ चुके हैं कि हम एसाइल कार्निटिन को कहाँ ले गए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले गए, केवल इसने यहाँ पर आपको केमिकल फॉर्म के रूप में इसको प्रदर्शित कर रखा है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की, नेक्स्ट स्टेप जब हमारे पास आती है तो इस नेक्स्ट स्टेप में जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है, ये फैटी एसाइल कोएंजाइम का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन के लिए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजिनेज काम करेगा और इस क्रिया में मुक्त होने वाला जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को FAD ग्रहण करेगा और फिर वह FADH2 में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ है हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए जिस पर एंजाइम काम करा एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजिनेज और इसमें से रिलीज होने वाली जो हाइड्रोजन थी उसको FAD ने ग्रहण करा और FADH2 में परिवर्तित हो गया और ये जो हाइड्रोजन निकली है वो हाइड्रोजन दूसरे और तीसरे वाले बॉन्ड हुए, ये 1 है ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 में से निकली इसलिए यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ठीक है भाई। और अब हमारे पास जो एसाइल कोएंजाइम था वो परिवर्तित हो गया ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो गया। अब ऑक्सीडेशन हो जाने के पश्चात हमें जो ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम ए प्राप्त हुआ है वो इसका होगा हाइड्रेशन, इसका जब हाइड्रेशन होगा तो इस रिएक्शन को आप देखें, इस रिएक्शन में ट्रांस एल्केलाइन इज हाइड्रेटेड हुआ है और हाइड्रेशन करने के लिए जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज, इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज जल की प्रेजेंस में काम करेगा तो ये H और OH समूह जो है इसके साथ में अटैच हो जाएंगे और हमारे पास ये परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा वाला पोर्शन था वहाँ पर ये OH संलग्न हो गया इसलिए L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बन गया।
L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। अब दूसरी बार फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरी बार जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा उसमें निकलने वाली जो हाइड्रोजन थी उसको NAD ग्रहण करेगा और NADH H+ में यह परिवर्तित हो जाएगा। अब निकला है हमारे पास L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज होएगा, तो हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम का नाम है। और इसने क्या करा, जो हाइड्रोक्सी समूह था उसमें से हाइड्रोजन OH में से एक हाइड्रोजन और एक कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल दी, इसलिए वहाँ पर भी कीटो समूह हो गया। तो अब हमारे पास बनेगा वो कहलाएगा 3-कीटो-एसाइल कोएंजाइम ए। सेकेंड बार ऑक्सीडेशन होने पर हमें 3-कीटो-एसाइल कोएंजाइम ए प्राप्त होता है। अब हमारे पास होता है क्लीवेज की प्रक्रिया। नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप में हमारे पास जब क्लीवेज होगा तो जो हमारे पास 3-कीटो-एसाइल कोएंजाइम ए है वो क्लीव्ड ऑफ हो जाएगा। इस क्लीव्ड ऑफ होने की क्रिया जो है थायोलेज एंजाइम के माध्यम से होएगी, और थायोलेज एंजाइम वाला जो है ये 2 कार्बन वाली यूनिट को इससे सेपरेट कर देगा। 2 कार्बन इकाइयों वाली जो यूनिट होती है जिसमें COA एंजाइम लगा हुआ होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाती है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे चल करके TCA साइकिल में भाग लेती है। इसके लिए मैं आगे वाला पेज आपके लिए निकाल देता हूँ भैया, एक मिनट थोड़ा जूम हो जाए। ये देखिए भाई, हमारे पास था 3-कीटो-एसाइल कोएंजाइम ए जिस पर थायोलेज के माध्यम से क्लीवेज हुआ, तो थायोलेज के माध्यम से क्लीवेज होने पर इसका COA विथ सल्फाइडल ग्रुप रिलीज हो गया, इसलिए COA विथ सल्फाइडल ग्रुप का और एडिशन भी है, क्योंकि यहाँ 2 COA विथ सल्फाइडल ग्रुप चाहिएंगे। एक तो एसाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा, एक 2 कार्बन वाला एक कार्बन, और दूसरा कार्बन वाला जो यूनिट होगा वो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाएगा। इसलिए एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें इसमें दोनों प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रक्रम है उसको वापस समराइज्ड वे में यहाँ दर्शाया गया है कि हमारे पास यदि कोई भी एसाइल कोएंजाइम ए है जिसका अल्फा और बीटा जो कार्बन है उस बीटा कार्बन से सबसे पहले हाइड्रोजन निकलती है, इसलिए इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इस पर एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज काम करता है, निकलने वाले हाइड्रोजन को FAD ग्रहण करके FADH2 में परिवर्तित हो जाता है। हमें प्राप्त होने वाली संरचना ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए कहलाती है जिसका जलीय अपघटन होता है, तो ये बना देती है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज एंजाइम। जब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बन गया तो उसका पुनः ऑक्सीकरण होता है और बीटा हाइड्रोक्सी को एसिटाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, निकलने वाली हाइड्रोजन को NAD ग्रहण करके NADH में परिवर्तित हो जाएगा। ये बीटा कार्बन पर कभी कीटो समूह लगा देता है, इसलिए इसको कहेंगे बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। बीटा कीटो को एसाइल कोएंजाइम ए पर कोएंजाइम काम करेगा एसाइल कोएंजाइम ए एसाइल ट्रांसफर्स की उपस्थिति में, तो हमें जो प्राप्त होगी वो संरचना होगी एसाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन शॉर्टन देन द, इसमें से 2 कार्बन निकल गया, 2 कार्बन वाली ये निकलने वाली एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाती है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है कार्बन की जो TCA साइकिल होती है उसमें भाग ले लेती है। अब बात आती है कि जो सम संख्या वाला कार्बन वाला फैटी एसिड होता है उसमें तो कोई भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉमन इन वेजिटेबल, दे फ्लो इन बीटा ऑक्सीडेशन टू ऑल स्टेप सेम यूनिट्स एंड लास्ट वन इन विच 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइल कोएंजाइम आर प्रोड्यूस्ड एंड इज कार्बोक्सीलेटेड टू मिथाइल मेलानिन कोएंजाइम ए फर्स्ट आफ्टर आइसोमरेज ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम ए एंड आइसोमरेज विच यूजेस विटामिन बी एज ए कोएंजाइम। ये कह रहा है कि जब सम संख्या वाला कोई भी वसीय अम्ल जो बीटा ऑक्सीडेशन में भाग लेता है तो अंत में उसका उत्पाद क्या हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस मेलानाइन कोएंजाइम ए हो सकता है, ये सारे के सारे विटामिन बी के कोएंजाइम स्रोत के रूप में या आइसोमेरेज के रूप में
काम में ले लिए जाते हैं, उपयोग में ले लिए जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारे पास क्या होता है, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाला फैटी एसिड बिसा ऑक्सीडेशन में भाग लेता है। तब क्या होता है, उस बात के लिए कहता है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाला वन और मू टू डबल बॉन्ड वाला फैटी एसिड जब काम में लेता है तो द चेंज कैन अकर सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन आर मोर कॉमन बाई फार, इसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन जो है ज़्यादा कॉमन होता है। सिस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है टू हाइड्रोजन एटम एडजेंट टू द डबल बॉन्ड स्टिक आउट ऑन द साइड ऑफ द चेन, द रिजिडिटी ऑफ द डबल बॉन्ड फ्रीजेज इट्स कन्फर्मेशन एंड कोज द चेन टू बी रेस्टिक द कन्फर्मेशन नॉट फ्रीडम ऑफ द फैटी एसिड। मोर डबल बॉन्ड चेन हैज़ इन सिस कन्फर्मेशन लेस फ्लेक्टिविटी इज हैज व्हेन ए चेन इज मैनी सिस बॉन्ड इट बिकम्स क्वाइट कर्व्ड। फॉर एग्जाम्पल ओलिक एसिड वन डबल बॉन्ड हैज़ ए किक एस लिनोलिनिक विथ टू डबल बॉन्ड्स एंड मोर प्रोनाउंस्ड बैंड। लिनोलिनिक एसिड द फैटी एसिड द पार्ट ओवर द फॉस्फोलिपिड लिपिड बाय लेवल ट्राइग्लिसराइड्स एंड लिपिड डॉपलेट एंड सिस बॉन्ड्स लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द फैटी एसिड टू क्लोजली पैक्ड एंड देयरफॉर द इफेक्ट द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द फैट। इसमें बचे हुए जो है क्या मेम्ब्रेन निर्माण के रूप में काम में आ गए। ये वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हमने अध्ययन कर लिया है। लास्ट की इंग्लिश को आप थोड़ा सा ध्यान देके और समझ लेवें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गृह कार्य आपको दिया जा रहा है बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया के अंत उत्पाद का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है ये आप सरल करके व्हाट्सएप पर भेज दें। बीटा ऑक्सीडेशन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है।